वेलकम बैक। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के एक अहम मसले पर, यानी तालीमी इदारों में तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान और सियासी जमातों के अमल दखल पर। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक स्टूडेंट लीडर, कराची टीचर्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट और कराची यूनिवर्सिटी के शोबे इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुताहिर शेख। अस्सलाम वालेकुम मुताहिर शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। मुताहिर साहब, स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं, ताकि ये लड़ाई झगड़े जिसमें हम बहुत तेज़ी देख रहे हैं आजकल के दिनों में, ये जारी रहें। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुबालगा है कि स्टूडेंट यूनियन होने से जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स निकाल के देखें तो 1948 से 1984 तक, जब 1984 में स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी लगी, तो उस वक्त कितने इस तरह के वाक़यात हुए और 84 से लेके अब तक कितने वाक़यात हुए, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। बुनियादी तौर पे इस बात ही को गलत समझा जाता है कि तलबा तंजीमें बुनियादी तौर पर जो है वो लड़ाई झगड़े करती हैं। देखिए, हर साल तलबा तंजीमों के जब हम हुआ करते थे तो उनके इलेक्शन हुआ करते थे, और ये इलेक्शन ना सिर्फ ये कि जामियात में स्टूडेंट्स की भरपूर वॉइस हुआ करते थे, बल्कि माशरे में एक मुतबादिल दरमियाने तबके की लीडरशिप भी फराहम किया करते थे। शेख साहब, आपने कहा इलेक्शंस हुआ करते थे, अब क्यों नहीं होते हैं? और दूसरी एक बात मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी कि आप जो बात, आप स्टूडेंट यूनियन के फेवर में हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बातें हमें बता रहे हैं, वो तरीक़ेकार अभी नहीं देखने में आ रहा, उसी डगर पर ये लोग नहीं चल रहे हैं। ये जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, मकसद क्या है, अब इनका मतलब क्या है? क्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है इनमें? देखिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुई, और ये जो तशद्दुद है इसका कोई ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट यूनियन से कतई तौर पे नहीं है। 1984 में जब पाबंदी लगी तो उस वक्त के एक आमिर हुआ करते थे ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तालिब इल्मों की सियासत पे पाबंदी लगाई ताकि उनकी हुकूमत को किसी तरह का भी कोई चैलेंज ना दरपेश आए। बदकिस्मती ये है कि जो जमहूरी हुकूमतें आईं, उन्होंने लफाजी तो की कि वो पाबंदी हटा देंगी, लेकिन अमली तौर पर अभी तक वो पाबंदी लगी हुई है। देखिए, पानी का काम है आगे बहना, आप उस पर अगर रुकावट लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से किसी भी सिम से निकलेगा, और वही इस वक्त हो रहा है कि जब उनकी जेन्युइन वॉइस जो है वो नहीं सुनी जा रही, और जब उनके मसाइल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर इस किस्म की चीजें हमारे सामने आती हैं। आपको याद होगा जब मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना है, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि ये तहरीके पाकिस्तान जो है इसका असला खाना है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने बात की थी। आजकल के जो तालीमी इदारे हैं, ये किसका असला खाना है? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि जो इस किस्म के अनासर इस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं कतई तौर पे इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि तालिब इल्मों की मजमू वॉइस कहीं नज़र नहीं आती। अब 27-28 साल हो चुके हैं, अभी तक तालिब इल्मों को ये पता ही नहीं है कि स्टूडेंट यूनियंस का बुनियादी फंक्शन क्या हुआ करता है। अब मैं आपके सामने मिसालें रख देता हूं कि उस ज़माने में, यानी 60-70-80 की दहाई में, जो मुतबादिल लीडरशिप आपके सामने आई, मेराज अहमद खान है, फतेहाब अली खान है, सैयद मुनव्वर हसन है, मेराजुल हुदा साहब हैं, हासिल बिदिनजो साहब हैं, जावेद जब्बार साहब हैं, इतनी मिसालें आपके सामने। अब 1984 से लेके अब तक देखिए, आपको कहीं पर मुतबादिल लीडरशिप नज़र नहीं आएगी। तो मेरा बुनियादी तौर पे जो क्यों नज़र नहीं आ रही, वजह उसकी ये है कि 1984 से जो बैन लगा है यूनियन के इलेक्शंस पर, सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि कोई मुतबादिल लीडरशिप नहीं आती। अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर ऐसे ग्रुप्स दाखिल हो चुके हैं जामियात में कि जो बज़ाहिर तो तालिब इल्म होते हैं, लेकिन उनका लेना देना ना तालिमी मसाइल, ना तहकीक, ना तदरीस, ना तालिब इल्मों के जेन्युइन मसाइल से होता है। आज अगर गवर्नमेंट जो है वो वाकई इंप्लीमेंट करती है इस बात को, आप देखिएगा कि कितनी मजबूत तब्दीलियां जो है तालीमी इदारों में आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये कोई इसका प्रोमिनेंट जवाब नहीं कि असला आ रहा है, तशद्दुद हो रहा है वहां पे, असला आ कहां से रहा है, इसको ला कौन रहा है, किताबों में, हाथों में किताबों के अलावा अब असला देखा जा रहा है। ठीक, तशद्दुद का जो रुझान है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपने भी यही बात की, अब इसका सदबाब कैसे होगा? हुकूमत तो करेगी करेगी, क्या हो सकता है यूनिवर्सिटी के लेवल पे? तालीमी इदारे बुनियादी तौर पे अक्कासी करते हैं माशरती रवैयों का, जो माशरे में हो रहा है उसके रिफ्लेक्शंस आपको तालीमी इदारों में नजर आएंगे। आज ये तशद्दुद इंतहा पसंदी आप माशरे से खत्म करें, इसके मजबूत असरात आपको तालीमी इदारों में नजर आने शुरू हो जाएंगे। तालिब इल्म हवा या मरीख पे से तो आते नहीं है, वो इसी माशरे की प्रोडक्ट होते हैं। आप माशरे में ऐसे इकदाम कीजिए कि जहाँ असली की सियासत ना हो, जहाँ अफाम व तफहीम की बात हो, जहाँ नजरिए की बात हो, जहाँ एक दूसरे से बात करने यानी डायलॉग की बात हो, तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपके तालीमी इदारे जो हैं वो मन का गहवारा बन जाएंगे। अभी जो सूरत हाल है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो आप देखें पुलिस रेंजर्स या जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। ये लड़ाई झगड़े ये हैं कि बंद होने में ही नहीं आ रहे हैं,
इस वक्त इमीडिएट बेसिस पे मौसर हिकमत अमली क्या अपनाई जा सकती है कि इनको फौरी तौर पे रोका जा सके? देखिए, इसके बहुत से डायमेंशंस हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि रेंजर्स वहाँ मौजूद है, लेकिन इसका भी एक पस मंजर है। 1989 में रेंजर्स जो है वो डिप्लॉय हुई थी। मुतार शेख साहब, सूरत हाल बदस्तूर यही रहती है तो आपके ख्याल में फिर क्या स्टूडेंट यूनियंस पर बैन लगा देना चाहिए, जैसे कि जियाउल हक के दौर में हुआ था, या जो तजावीज आप दे रहे थे आप समझते हैं कि उस पर कुछ अमल दरामद हो सकता है अगर कंसर्न लोगों से बात की जाए तो? देखिए, अभी जो ऐसे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दिखाई है हमारे एजी साहब की, ये सूरत हाल है आपके इस माशरे की कि ये मसाइल हैं आपके यहाँ। अब आप ये समझते हैं कि तालिब इल्मों को बिल्कुल आइसोलेशन में रख के देखा जाए तो मुमकिन नहीं है। देखिए, तीन चार चीज़ें अभी भी हो सकती हैं। यूनियंस पर से पाबंदी हटाई जाए, कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर बनाया जाए और एक पूरा बाकायदा जामे मनसूबाबंदी के तहत इनके इलेक्शन करवाए जाएँ। आप खुद देखिएगा कि कितनी मजबूत तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि 99% तालिब इल्म पढ़ना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अपना मुस्तबिल संवारें। आप यूनियन के इलेक्शन होने दें, इसके बड़े दूरस्थ नतीजे जो हैं माशरे की तरफ आपको नजर आएंगे। आपने अच्छी उम्मीद जाहिर की है कि इलेक्शन हो जाए तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुताहिर शेख, हमारे साथ मौजूद थे और रहे थे तालीमी इदारों में होने वाले तशद्दुद के हवाले से। 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खिताब में कहा, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों के लिए, अपने मंदिरों के लिए। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर इबादत कर सकते हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी फिरके, किसी भी जमात या किसी भी मजहब से क्यों ना हो। इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मुल्क में हम सब एक बराबर हैं। इस मुल्क में सब बराबर है, वाह क्या बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली 74% अकलियतें ज्यादती का शिकार हैं, जिनसी ज्यादती का। उनके हुकूक गस्त किए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है, उन पर जमीन तंग की जा रही है। आज इस मुल्क में जो इस मजहब के नाम पर कायम हुआ, जो अकलियतों का पासबान है, इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। वक्त बहुत गुजर गया, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी अब नहीं है तो कायद के कहने की किसी को क्या परवाह? सोचिएगा। पारस खुशी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।